तो फ्रेंड्स, आज हम 9 अलग अलग तरीके से कॉफ़ी डेकोरेट करना सीखेंगे। तो जब भी जनरली हम कैफ़ेज़ में कॉफ़ी पीने जाते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करके हमें देते हैं। इसके पीछे बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक्स होती है। तो अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं या फिर फ्रेंड्स आ रहे हैं आपके घर पे, तो आप बहुत ही अच्छे से उसको प्रेजेंट करके दे सकते हो। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर से करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस तरह की कैपेचिनो कॉफ़ी बनाएंगे। तो इसका बहुत ही डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किया गया है। इसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रही होगी और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसे शेयर कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा झाग वाली और बहुत ही क्रीमी रेसिपी बहुत ही ईजिली घर पर बन जाती है। आप ये वीडियो ज़रूर से देखें, और अगर आपको ऑलरेडी कैपेचिनो कॉफ़ी बनानी आती है तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर से देखें। तो चलिए अब हम कॉफ़ी डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप दूध ले लिया है एक बर्तन में, और इसको हम गर्म करेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो इसे हम गर्म करते जाएंगे। तो देखिए, एक उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे एक साइड में रख लेते हैं। तो जनरली अभी सबसे पहले हम जो दूध होता है उसमें से झाग बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने इस तरह का एक ग्लास ले लिया है। तो इसके अंदर हमने जो गर्म किया था दूध वो डाल देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो दूध है वो एकदम बॉइलिंग गर्म होना चाहिए, तभी आपकी जो दूध की झाग है वो अच्छे से बनेगी। यहाँ पर मैंने एक विस्क ले लिया है जिससे हम जनरली क्रीम व्हिप करते हैं। तो हाथों की मदद से इसे इस तरह से घुमाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो गर्म दूध है उसमें से झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी और वो ऊपर आ जाएगी, और वो झाग की मदद से एक्चुअली हम जो हमारी कॉफ़ी है वो डेकोरेट करने वाले हैं। तो इसी तरह से कंटिन्यूसली हम इसे विस्क करते जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में जो झाग है वो बन जाती है। तो आप देख सकते हैं ऊपर तक आ चुकी है हमारी झाग। तो इसे हम एक चम्मच की मदद से बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है, जो नीचे का दूध है वो नहीं आ जाना चाहिए इसके अंदर। सिर्फ हमें जो ऊपर झाग बनी है वही निकालनी है। देखिए काफ़ी सारी झाग बन गई है, और थोड़ी ज़्यादा हम झाग बना लेते हैं। तो जब भी आप ये कर रहे हो प्रोसेस, तो याद रखिए जो दूध होता है वो बहुत ही गर्म होना चाहिए। ये जो झाग बनती है वो ठंडे दूध के साथ नहीं बनेगी, दूध गर्म होना कंपलसरी है। तो इसी तरह से इसको जो हो सके उतना फास्ट आप बीट करें, जिससे आपकी झाग है वो फटाफट बन जाएगी। तो देखिए काफ़ी सारी झाग बन चुकी है, बिल्कुल ऊपर तक आ चुका है, और इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप दूध में से झाग रेडी कर लीजिए। तो देखिए अभी काफ़ी सारी झाग बन चुकी है। तो अब हम कॉफ़ी को डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप कॉफ़ी रेडी करके ले ली है। इसके ऊपर हम इस तरह के ड्रॉप्स रखते जाएंगे कॉफ़ी के झाग के। तो 5 ड्रॉप इस तरह से हमें रखने हैं। यहाँ पे मैंने हर्षी का जो चॉकलेट सिरप आता है वो ले लिया है, उसकी जो छोटी बॉटल आती है वो ली है। मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, आप कोई भी चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मदद से इस तरह की इसके ऊपर पैटर्न बना लेंगे। यहाँ पे मैंने टूथपिक ली है, और इस तरह से इसके ऊपर हम पैटर्न बनाएंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी पैटर्न, ये बनके रेडी है। तो इस तरह के पैटर्न के लिए कॉफ़ी के ऊपर हम इस तरह से ड्रॉप रखते जाएंगे चॉकलेट सिरप के। अब एक टूथपिक ले लेते हैं और इस तरह से इसके ऊपर पैटर्न बना लेते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही इजी पैटर्न है, पर बहुत ही सुंदर लगती है दिखने में। तो ये देखिए रेडी है।
तो ये पैटर्न बनाने के लिए हमने जो दूध की झाग बनाई थी उसे 3 पैरेलल लाइंस बना लेंगे इस तरह से। अब हम टूथपिक लेंगे और इस तरह से इससे पैटर्न बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है पर बहुत ही सुंदर लग रही है। तो बस ये बनके रेडी है। तो ये पैटर्न बनाने के लिए बीच में हम थोड़ी सी दूध की झाग रखेंगे और बाहर की तरफ इस तरह से थोड़ी सी झाग लगा देंगे। तो एक सर्कल जैसा बनाना है हमें। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहने की ज़रूरत नहीं है इस डिज़ाइन में आपको। अब जो अंदर का सर्कल है वहाँ पे हम चॉकलेट सिरप से एक सर्कल बना लेंगे इस तरह से, और बाहर भी इस तरह से एक सर्कल बना लेंगे। अब हम टूथपिक लेके और अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से लाइन खींचते जाएंगे। अब हम बाहर से अंदर की तरफ लाइन खींचेंगे तो आप देख सकते हो कितनी सुंदर पैटर्न बन रही है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत ही पसंद है ये। तो बस ये पैटर्न बनके रेडी है। तो ये पैटर्न बनाने के लिए बीच में हम एक राउंड में थोड़ी सी दूध की झाग रखेंगे इस तरह से। चॉकलेट सिरप से इस तरह का एक सर्कल बना लेंगे। अब दो दो करके ड्रॉप रखते जाएंगे इस तरह से। अब हम टूथपिक लेंगे और बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से लाइन खींचते जाएंगे। फिनिशिंग के लिए बीच में हम इस तरह का एक ड्रॉप रख देंगे। तो ये देखिए एक फ्लावर की पैटर्न रेडी है। तो ये पैटर्न बनाने के लिए बीच में हम थोड़ी सी दूध की झाग रखेंगे इस तरह से, और चॉकलेट सिरप लेंगे और इस तरह से इसकी चारों तरफ रिंग बनाते जाएंगे। अब हम टूथपिक लेंगे और बाहर से अंदर की तरफ खींचते हुए लाइंस बनाएंगे। फिनिशिंग के लिए बीच में एक ड्रॉप रख देंगे चॉकलेट सिरप का। तो ये देखिए ये पैटर्न भी रेडी है। तो ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको चॉकलेट सिरप से इस तरह की पैरेलल लाइंस बनानी है कॉफी के ऊपर। तो हम टूथपिक ले लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर डिजाइन बना दिए जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छे स्वॉल्स बन रहे हैं। तो ये पैटर्न भी हमारी रेडी है। पैटर्न बनाने के लिए जो हमारा मग है उसकी बॉर्डर पे इस तरह से दूध की झाग रखते जाएंगे और एक सर्कल जैसा बना लेंगे। चॉकलेट सिरप लेके और इस तरह का एक सर्कल बना लेंगे। टूथपिक लेंगे और इस तरह के स्वॉल्स बना लेंगे बॉर्डर पे। बस ये पैटर्न रेडी है। तो ये पैटर्न बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया था, उसे फोल्ड करके मैंने इस तरह से बीच में से काट लिया था। तो इसे आप खोलोगे तो हमारी हार्ट वाली पैटर्न बन जाएगी। तो इसे हम ध्यान से मग के ऊपर रख देंगे, जो हार्ट है वो सेंटर में रहे ये ध्यान रखें। तो चाय छानने की जो छैनी होती है वो ले लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा कोको पाउडर हम डाल देंगे। इस तरह से हम टैप करते जाएंगे, जो हमारा कोको पाउडर है इस तरह से बहुत ही इवनली इसके ऊपर पड़ेगा।
कार्डबोर्ड को हम बहुत ध्यान से उठा लेंगे और देखिए आपकी ये जो पैटर्न है वो रेडी है बनके। तो फ्रेंड्स, हमने 9 तरीके की कॉफ़ी डेकोरेशन के आइडियाज़ देखे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी ट्रिक्स है ये सारी। आप जब भी कॉफ़ी बनाएं इसी तरह से आपके कॉफ़ी डेकोरेट करें, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।